हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स, इसके अलावा 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 19,480, दूसरा सपोर्ट लेवल है 19,435, पहला रेजिस्टेंस है 19,620 और दूसरा 19,660। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 43,560, दूसरा सपोर्ट लेवल है 43,400, पहला रेजिस्टेंस है 43,880 और दूसरा रेजिस्टेंस है 44,030। चलिए अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। कैश एंड फ्यूचर डिलीवरी की बात करें तो इन स्टॉक्स को होल्ड करने का पीरियड है 7 to 10 days। सबसे पहले है नेलकास लिमिटेड, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, आप इसे बाय कर सकते हैं 162 पर, स्टॉप लॉस 154.70, पहला टारगेट 170 और दूसरा टारगेट 177 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज पेटीएम, यहां पर राइजिंग वॉल्यूम है, बाय कर सकते हैं 988 पर, स्टॉप लॉस 958, पहला टारगेट 1020 और दूसरा टारगेट 1047 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक रिकमेंडेशन इज मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, यहां पर वॉल्यूम स्पॉट है, बाय कर सकते हैं 1272 पर, स्टॉप लॉस 1240, पहला टारगेट 1305 और दूसरा 1335 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है बर्जो पेंट्स इंडिया लिमिटेड, यहां पर रिकवरी एक्सपेक्टेड है तो बाय कर सकते हैं 584 पर, स्टॉप लॉस 566, पहला टारगेट 602 और दूसरा टारगेट 620 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज एमटाटेक विच मूव्ड अबव द इमीडिएट रेजिस्टेंस, तो बाय कर सकते हैं 2732 पर, स्टॉप लॉस 2650, पहला टारगेट 2815 और दूसरा टारगेट 2895 पर रख सकते हैं। बात करें उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे, सो 63 मून्स वेंट अप 2.8%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड एंड एनबीसीसी वेंट अप 4.2%। चलिए अब देख लेते हैं स्टॉक्स इन न्यूज, जिसमें आज देखेंगे सेंट्रल बैंक, गोवा कार्बन और जेएनके बैंक के बारे में, यानी कि उनके क्वार्टर टू रिजल्ट के बारे में जानेंगे। सेंट्रल बैंक के क्वार्टर टू रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 90.25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऊपर रहा है, एनआईआई अप 10.23% ईयर ऑन ईयर, ग्रॉस एनपीए एट 4.62% वर्सेस 9.67% ईयर ऑन ईयर, नेट एनपीए एट 1.64% वर्सेस 2.95% ईयर ऑन ईयर। गोवा कार्बन के क्वार्टर टू रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका 18.1% डाउन रहा है, रेवेन्यू 47.4% डाउन रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो नेट प्रॉफिट 56.5% ज्यादा रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर, एनआईआई 10.8% ज्यादा रहा है, ग्रॉस एनपीए एट 5.26% वर्सेस 5.77% क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड नेट एनपीए एट 1.04% वर्सेस 1.39% क्वार्टर एंड क्वार्टर। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और रिकमेंडेशंस के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आपकी कोई भी फीडबैक है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।